हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एवरेथ स्क्रब के बारे में। आज हम करके आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा होता है। और चलिए दोस्तों, फिर हम करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जल से अपना फेस क्लीन करेंगे, तो हम आपको करके दिखा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है ये प्रोडक्ट। आप सबसे पहले अप्लाई करिए, आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जो भी डस्ट वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। आप देख सकते हो, जो भी डस्ट वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। अच्छे से आप क्लीन करिएगा गुलाब जल से, बहुत ही अच्छा रहता है। और आप देख सकते हो, देख सकते हैं दोस्तों कितनी गंदगी निकली है। तो डस्ट वगैरह तो पड़ता रहता है काफ़ी ज़्यादा, और देख सकते हैं ये क्लीन हो गया। थोड़ा सा 5 मिनट छोड़ देते हैं। और हाँ, बाल ना आगे आए ना फंसे, तो इसे आप बैंड लगा लीजिए या फिर कोई भी वो लगा लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आज हम एवरेथ का स्क्रब यूज़ करने जा रहे हैं। देख लीजिए, काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों एवरेथ का। और उतनी ही क्वांटिटी मैंने जितना कि आपको यूज करना हो। ये दोस्तों मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं, अपने हाँ क्वांटिटी भर का आपको चाहिए, आप देख सकते हैं। और आँखों पे और लिप्स पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें दोस्तों। और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना होता है, खाली 5 मिनट आप कर सकते हो, क्योंकि स्क्रब ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं स्क्रब के बहुत ही मोटे और टाइट होते हैं, इसलिए आप स्किन को ज़्यादा वो नहीं कर सकते। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने हल्के हल्के हाथ से कर रहे हैं। और फाइनली आपको नोज़ पे जो है बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको हल्के हल्के हाथों से, फिंगर से आपको मसाज देना होता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये और यहाँ पर आपको चिन पे बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे भी आपके वाइटनेस हो जाता है, ब्लैक हेड्स हो जाता है किसी किसी के, तो आप और आपको अगर ड्राई लग रहा हो हल्का सा आप पानी ले सकते हैं या गुलाब जल ले लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, देखिए दोस्तों मैं कितने हल्के हाथ से, और हाँ धीरे धीरे करते हुए आप गले में भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड में आपको करना है, ऐसे ऐसे हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रही हूँ, फिंगर की मदद से आप हल्के हल्के, बहुत ही हल्के हाथों से करना है, ना कि तेज। देख सकते हैं दोस्तों, आँख पे बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ध्यान देना है इस बात का। ये नोज़ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ब्लैकेस हो जाता है। तो अच्छे से आप करिए, और मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो मैं ज़रा सा हाथ को गीला कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपको
जी यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से आप कर दीजिए। आप कहीं पार्टी में या कहीं जा रहे हैं, आप दोस्तों इसको कर सकते हैं। आप पार्लर जाते हैं, इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, आपका इतना बजट नहीं है, तो आप दोस्तों एवरेज का स्क्रब खरीद सकते हैं और घर पे ही फेशियल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से अच्छा इसका रिजल्ट भी आता है। दोस्तों अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरा स्क्रब फाइनल हो गया है। दोस्तों अब मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली देखिए दोस्तों ये मेरा कैसा रिजल्ट आया है, मैंने स्क्रब को पोंछ दिया है और आप देख सकते हो, और ब्लैकेज वगैरह भी साफ हो गया अच्छे से, वाइटनेस भी, और देख लीजिए इतना ही अच्छा रिजल्ट आया है। और हाँ, आप इसके बाद अब अप्लाई कर सकते हो कोई भी, आप जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, तो आप कोई भी लिक्विड क्रीम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो अच्छे से आप इसको लगा सकते हैं और लगा के आप छोड़ दीजिए। देखिए ये देखिए दोस्तों कितना इसका अच्छा रिजल्ट आया, आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों कितना अच्छा रिजल्ट आया है, आप भी अपने घर पे इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए, और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।